YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि BTSC क्यों काउंसलिंग में देरी कर रहा है, चाहे वो ANM के लिए हो, ANM 10709 के लिए हो, एक्सरे के लिए हो, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए। जितने भी पोस्ट पे वैकेंसीज आई थी और जितने भी पोस्ट के लिए काउंसलिंग बाकी है, उन सभी के काउंसलिंग में क्या अपडेट है, मतलब कि अभी कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, अभी क्या क्या चल रहा है BTSC के अंदर, और काउंसलिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है, और कब तक संभावना है कि हाँ इन सभी का इस डेट तक या फिर इस वीक तक काउंसलिंग हो जाएगा। तो एकदम डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर चर्चा चलेगी, तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले तो आपका ये काम है कि आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसके बाद जो भी नहीं समझ में आया या फिर जो भी वीडियो में प्रॉब्लम लगे वो आप नीचे कॉमेंट कीजिएगा। बिना कुछ समझे स्टार्टिंग में ही कॉमेंट नहीं करना है, पहले समझ लेना है कि हाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं एकदम जो भी बोलूँगा प्रूफ के साथ बोलूँगा। ऐसा नहीं कि वीडियो स्टार्ट हुआ, सर फेक जानकारी है, सर गलत जानकारी है, सर फेक वीडियो है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। पहले आप समझ लीजिए ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, इससे हम लखपति या करोड़पति नहीं हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों की भलाई के लिए ही है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले ये BTSC का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल कुर्सी का टेंडर निकाला गया था, ये सबको पता है, ये जिसमें लास्ट डेट आपका 31 मार्च रखा गया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों ने भी इस पे वीडियो बनाया है, आप सभी को ये जानकारी पता होगी। लेकिन इसके ऊपर भी एक नया टेंडर निकाला गया है, इस टेंडर के अंदर क्या है, इस टेंडर के वजह से मैं कैसे आपको डेट बता सकता हूँ, मैं आपको टाइम बता सकता हूँ कि हाँ इस टाइम तक काउंसलिंग हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सारी जानकारी बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये टेंडर, न्यू टेंडर निकला है एकदम BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब चलते हैं इस टेंडर के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप इस टेंडर को डाउनलोड करके इस टेंडर के स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा जाएगा, आपका गांधी मैदान के पास में, मतलब जो भी आपका ज्ञान भवन है उसमें काउंसलिंग होने वाला है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है विभिन्न विभिन्न पदों पर आपका जो संभावित काउंसलिंग कार्य की जो भी काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न विभिन्न पदों पर जो भी काउंसलिंग के लिए ऑफिसर्स रहेंगे, उन सभी के लिए आप कह सकते हो कि पानी का हो गया, नाश्ते का हो गया, और यहाँ पे कह सकते हो चाय का हो गया, इन सभी चीज़ों का टेंडर निकाला गया है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि चाय पानी ये सभी चीज़ खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ कब निकाली जाती है, जब एकदम करीब हो। और जैसे कि एक दो महीना अगर पहले चाय पानी का टेंडर निकाल करके मंगवा लिया जाए चाय पानी, तो आप सभी के पास कॉमन सेंस है कि वो पीने लायक, खाने लायक, खाने के योग्य नहीं रहेगा। तो एकदम काउंसलिंग से रिलेटेड ये बड़ी जानकारी है कि अभी टेंडर के माध्यम से आपका भोजन एवं चाय एवं पानी की व्यवस्था करने के लिए आपका टेंडर निकाला गया है। तो ये जैसे ही ये टेंडर कंप्लीट होगा, उसके नेक्स्ट वीक तक में आपका संभावित काउंसलिंग की स्टार्ट कर ही दिया जाए। यहाँ पर ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपका कौन से पदों के लिए काउंसलिंग के लिए आपका चाय पानी या फिर खाने का सामग्री मंगाई जा रही है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न पदों पे मतलब लेटर में लिखा गया, नोटिस में लिखा गया है विभिन्न पदों पे। तो विभिन्न पदों का मतलब क्या, जिस चीज़ की वैकेंसी आई हुई है तो वैकेंसी में जिन लोगों का काउंसलिंग बचा हुआ है उन्हीं लोग के काउंसलिंग के लिए। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि पहले ANM 10709 के लिए ही किया जाए, या फिर एक्सरे, या फिर OT, या फिर ECG, किसी के लिए भी किया जाए, किया तो जाए। और यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि अभी बिहार में क्या स्थिति चल रही है, ये रामनवमी के शुभ अवसर पे कुछ दुर्घटना घट गई थी, इस वजह से भी थोड़ा डिले किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका ये जो भी कैटरिंग का और ये भी जो भी खाने पीने का जो भी सामान है, इसमें अभी थोड़ा सा और डिले किया जाएगा ही, क्योंकि अभी परिस्थिति उतनी कुछ सही नहीं हुई है। और काउंसलिंग जो होता है वो पूरे राज्य को देख के किया जाएगा, मतलब बिहार है तो अगर बिहार में सभी जिलों में अच्छे तरीके से, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है वो अगर अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा,
तभी आपका काउंसलिंग जल्द से जल्द इसके लिए जल्द से जल्द कुछ भी कार्य से रिलेटेड अपडेट लिया जाएगा या फिर कदम उठाया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन अभी जितने भी जो बड़े अफसर होते हैं वो सभी तो इधर बिजी हो गए हैं, जितने भी मंत्री बड़े मंत्री हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं, वो सभी इधर जो पर्व के पर्व में हमारे रामनवमी पर्व में जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं उस पर्व के उस दुर्घटनाओं के कारण थोड़े बिजी हो गए हैं। तो इस वजह से भी आप मान सकते हो कि एक सप्ताह आपका इन सभी के कारण डिले काउंसलिंग किया हो सकता है। तो आप मान के चल सकते हो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक में आपका काउंसलिंग का संभावित लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। एकदम कन्फर्म है कि लास्ट अप्रैल तक में आपका काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी लिस्ट होते हैं वो सब के सब जारी कर दिए जाएंगे। तो अब अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, एकदम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को अगेन वॉच कर लीजिएगा। जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उनको दिल से थैंक यू, और आप सभी को आपके आने वाले काउंसलिंग के लिए या फिर आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका जॉब जरूर से ज़रूर लगे।